येशा गज़ल की बेटी का रोल प्ले करने वाली हैं। आगे आप लोगों को पता है जैसे लीप आने वाला है, हम लोग चले जाएंगे दिल पे पत्थर रख के हमें यहाँ से जाना होगा। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है, शो रब से है दुआ के लिए, क्योंकि आपके सामने जो स्टार कास्ट नजर आ रही है, चाहे दुआ हो या हैदर, ये सभी शो को बहुत जल्द अलविदा कहने वाले हैं, क्योंकि शो में लीप आने वाला है, जहां ईशा रुघानी और धीरज धुपर नजर आएंगे। और ये बात खुद दुआ ने एक्सक्लूसिव बताई है सिर्फ और सिर्फ सास बहू और साजिश को। येशा गज़ल की बेटी का रोल प्ले करने वाली हैं। आगे आप लोगों को पता है जैसे लीप आने वाला है, हम लोग चले जाएंगे दिल पे पत्थर रख के हमें यहाँ से जाना होगा। और दुआ की डॉटर जो है उनका नाम है मन्नत, और जो गज़ल की डॉटर है उनका नाम है इबादत। तो या सो बहुत मज़ा आने वाला है। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एक्टर्स जो आगे जुड़ रहे हैं हमारे शो से। दुआ का जो किरदार है वो रीमन जी निभाने वाली हैं, तो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो आई थिंक शो आगे बहुत अच्छा होगा। ऊपर से येशा एज अ फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी हर इन द शो एज वेल। एंड धीरज भी बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं, तो आई एम एक्साइटेड कि अब ये जोड़ियाँ कैसी लगेंगी। खैर, जो आता है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है, क्योंकि कहानी को फ्रेश रखने के लिए मेकर्स लीप का फॉर्मूला जरूर अपनाते हैं। वैसे इसी के कारण तुआ नहीं रो रही है, बल्कि उसकी वजह यह है कि गजल घर से सभी की आंख में धूल झोंक कर भाग गई है, जिसके कारण दुआ बहुत परेशान है। घर वाले तो नहीं चाहते कि दुआ गजल की फिक्र करे, लेकिन दुआ का अब गजल से एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो भी बच्चे को लेकर। ट्रैक कर रहे हैं गजल को, क्योंकि ऐसा लग रहा है दुआ को गजल किडनैप हुई है, ना कि वो भागी है, क्योंकि बिना किसी मदद के वो जंजीरों से कैसे निकल गई। तो एक गजल को ट्रैक करने के लिए लोगों को, अलग अलग लोगों को फोन कर रही है, अलग अलग लोगों से पूछ रही है इसके बारे में। दुआ की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन दुआ यानी कि अदिति शर्मा का सफर बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, अंत ही एक नया आरंभ होता है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में फिर कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुबारक हो सीरियल परिणीति में फाइनली परी और राजीव की शादी हो गई। भाई शादी के बाद की रस्में भी शुरू हो गई और लगे हाथों नीति की साजिशें भी शुरू हो गई। लेकिन ऑफ कोर्स अभी फॉर द टाइम बीइंग परी और राजीव इस सबसे यानी कि नीति की साजिशों से बेखबर है। परी और राजीव की शादी हो गई है। नीति इतनी खुश है कि आपको लगेगा कि सच में नीति की यादाश्त चली गई है, इसीलिए तो आज उसे कुछ याद ही नहीं है कि राजीव उसका भी पति था। अब शादी में जो हुआ वो आप सबने देखा, शादी के बाद जो हो रहा है वो भी देख लीजिए। रस्म हो रही है अंगूठी ढूंढने की, जहाँ पर पूरा परिवार खुश है, तो वही अचानक से नहीं बल्कि जानबूझकर नीति ने अंगूठी खुद ही छुपा ली, ताकि न राजीव को अंगूठी मिले न परी को।
अब सिचुएशंस आ गई हैं क्योंकि वो सब भूल गई है और पहले जैसे ही लड़की बन गई है, चुलबुली, झल्ली और कुछ भी बोल देने वाली और हंसते रहने वाली। अब ताई जी को तो पहले से ही शक है कि नीति यहाँ पर सब बर्बाद करने के लिए आई है, यादाश्त जाने का वो ड्रामा कर रही है। तो वो मस्ती, मतलब जैसे पहले वाली नीति थी वो मस्ती मजाक ही कर रही थी, लेकिन ताई जी को अभी भी, ताई जी को शक है उस पर एंड ताई जी का एक अलग ग्राफ चल रहा है। तो ताई जी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये कैसे किया तूने, तो उसमें थोड़ी सी नोकझोंक हो गई। वैसे ताई जी हम भी आपके साथ हैं क्योंकि हमें भी इस बात की पूरी पक्की गारंटी है कि नीति नाटक कर रही है। अब ये ड्रामा है या नाटक ये तो कुछ एपिसोड्स के बाद पता चल ही जाएगा। फिलहाल माहौल को लाइट करने के लिए नीति ने यहाँ पर गेम भी खेला है। एक टीम परी के साइड है तो दूसरी राजीव की तरफ। रस्सी खींचने वाला गेम शुरू हुआ और उसी बीच परी पर जब राजीव गिरा तो भाई इनके बीच थोड़ा सा रोमांटिक सीन भी बन गया। लेकिन उसमें जीत तो रहे थे द ऑपोजिट अंकुर, राजीव वाली टीम, लेकिन राजीव बीइंग वेरी स्वीट, उन्होंने देखा कि मैं हार रही हूँ और उन्होंने जानबूझकर रस्सी छोड़ दी। सो या अब नीति तो ऐसा दिखा रही है जैसे मानो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अंदर अंदर से तो वो जल रही होगी। अब भी अच्छा बनने का नाटक करना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे सबका विश्वास जीतेगी नीति और उसके बाद ऐसा वार करेगी कि किसी को शक भी नहीं होगा। क्यों नीति, ऐसा ही कुछ करोगी ना आप? मुंबई से विशाल शर्मा और स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुंडली भाग्य में फाइनली करण को पता लग गया है कि राजवीर जो है वो उसी का बेटा है, विच बेसिकली मींस कि वो प्रीता का भी बेटा है। लेकिन इस सब में मेरा सवाल जो ये है कि भैया ये प्रीता की याददाश्त क्यों नहीं वापस आ रही है? सच जो इतने सालों से छुपा हुआ था। करण जब प्रीता के घर पहुंचा, अलमारी में उसने पुराने एल्बम देखे तो वो सच उसके सामने खुल गया। ऐसा कुछ कुछ होता नजर आ रहा है क्योंकि इस एल्बम में प्रीता और राजवीर की ही कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है करण को। अब करण को ऐसा जरूर लग रहा है कि राजवीर और प्रीता का ही क्या रिश्ता है। अगर राजवीर प्रीता का बेटा है तो उस हिसाब से वो करण लूथरा का भी बेटा हुआ। क्या इस सच को करण समझ पाएगा? इसी के साथ साथ करण लूथरा से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात आज करण को पता चल रही है। यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, साथ में फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं, साथ में और सब चीज़ें, काफ़ी सब चीज़ें मिलती हैं इसको। तो अभी काफ़ी सी ये क्लियर हो रही है कि मतलब चीज़ें क्या हैं, कौन किसका क्या किसके साथ में रिलेशन है, तो ये सब चीज़ें साफ हो रही हैं अभी। राजवीर और करण के बीच कुछ गलत फहमी भी हो सकती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इन सब के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी बटोर रखी है राजवीर ने। अब ये सब तो बात की बात है, मुद्दे की बात ये है कि कहीं न कहीं करण को ये पता चल गया है कि प्रीता का राजवीर के साथ जरूर कोई रिश्ता है। वहीं दूसरी ओर राजवीर भी कुछ अलग ही गेम प्लान कर रहा है, उसे बिजनेस का ऑफर मिल रहा है। फिलहाल उसने अभी ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है,
लेकिन करण से बदला लेने के लिए वो एक्सेप्ट कर भी सकता है। राजवीर ही है जो सब चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जानता है, सब चीजें उसको पता है, साफ साफ पता है कि कौन उसका क्या लगता है। जहाँ तक प्रीता का सवाल है उसको भी नहीं पता है, जहाँ तक करण का सवाल है उसको भी सब चीजें नहीं पता है, अभी कुछ भी नहीं पता है उसको कि कौन किसका क्या लगता है। उसे अब भी ऐसा लगता है कि ये तो मासी भी नहीं है, कोई पड़ोसन है इसकी। अब बात करें शौर्य की तो उसे तो कोई लेना देना नहीं है फैक्ट्री में क्या चल रहा है, कि कौन किसका पिता है, कौन किसकी माँ है, कौन किसका भाई है। इन सब बातों से शौर्य का कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस निधि जब जब भड़काती है, जब जब उसके कान भरती है, वो वही मानता है, वही सुनता है। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, शौर्य को निधि इस एम्पायर का राजा बनाना चाहती है, बस यही बात वो उसके मन में डाल रही है। जाते जाते आपको बता दें कि बहुत जल्द वैलेंटाइंस डे की पार्टी होने वाली है और इस पार्टी में शौर्य पलकी के साथ बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। मुंबई से कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। इमली की बहन कैरी के खिलाफ अगस्त ऐसे शब्दों का चयन करता है जिससे सुनने के बाद इमली को गुस्सा आ जाता है और इसी के चलते इमली अगस्त को पूरे परिवार के सामने थप्पड़ जड़ देती है। अगस्त और इमली की शादी पर विश्वा ने पूरी तरह से पानी फेर दिया है, क्योंकि उसी ने सबके सामने खुलासा किया है कि अगस्त के बड़े भाई धनराज की मृत्यु इमली के बड़ी बहन कैरी की वजह से हुई थी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। सभी पानी पीने के लिए जब किचन की ओर बढ़ती है तब उसे पता चलता है कि घर वाले उसके कपड़े को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जहां अक्का साहब का अलग रूप देखने को मिलता है, जिसके बाद सभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज उठाती है। हॉस्टल में मेरे कपड़े हैं, मैं जाके ले लूंगी, किसी और के कपड़े देने की जरूरत। ये देखने के बाद अक्का साहब का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। आज की आई हुई लड़की मुझे आकर दिखाएगी, और इसे किसने कहा था आज कॉलेज और हॉस्टल जाने के लिए? ये समझती क्या है अपने आप को? ये है चाहते में, लीजिए संगीत वाला रोमांस हो रहा है अर्जुन और काशवी के बीच में। जी हाँ, क्योंकि अर्जुन जो है ना वो आखिरी मिनट तक कोशिश करते रहेंगे कि बस किसी तरह आदित्य और काशवी की शादी में वो कुछ ना कुछ खेल खेल जाए, ऐसा रंग में भंग करे कि काशवी जो है वो अर्जुन की हो जाए। जो अर्जुन ने कमिटमेंट कर दी तो वो अपने आप की भी नहीं सुनता, इसीलिए तो बार बार वो कोशिश कर रहा है काशवी के सामने आदित्य का सच लाने की। अब देखिए इस सगाई में भी गड़बड़ी कर दी, हल्दी और मेहंदी में भी गड़बड़ी कर दी, अब जब बारी संगीत की आ रही है तो संगीत शुरू होने से पहले उसने पूरी तैयारी कर ली है कि आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं। काशवी के सामने पूरा माहौल उसने सेट कर दिया था। शादीशुदा, तुम्हारी एक पत्नी है, एक बच्चा है, 5 साल का बच्चा तुम्हारा देते। आदित्य के बहुत सारे राज खुल रहे हैं, अब वो सच है कि झूठ ये तो आगे पता चलेगा। काशु को जो इतना अच्छा आदि लग रहा था, अब वो सच में नेगेटिव निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा? काशु तुम्हें क्या लगता है? मैं ऐसा बोलती हूँ कि आदित्य काशवी नोवा से कैसनोवा बन गया। या आई कॉल कैश्यू नोवा माई सेल्फ एज एन आदित्य, कि कैसनोवा नहीं हूँ। आदित्य फोन पे किसी से बात भी कर रहा है कि काम ठीक से हो जाना चाहिए, वही सब कुछ अर्जुन ने सुन लिया है। तुमने वो ठीक से रखा ना, देखो इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? और कुछ भी हो जाए काशु को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अर्जुन विघ्न डालने की कोशिश करता है, मतलब एंगेजमेंट में उसने रोकने की कोशिश की, एंगेजमेंट हो गए। हल्दी भी इन अ वे ही हुई, मेहंदी भी इन अ वे ही हुई,
प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई दोनों चीज़ें। हाँ। और एंगेजमेंट भी सही मुहूर्त पे नहीं हुई, एंगेजमेंट भी डिले हो, मतलब हो भी गई और होकर नहीं भी हुई, ये हाँ। दोनों चीज़ें। तो अभी संगीत का फंक्शन में भी मैं इसके साथ डांस ना कर पाऊँ, इस वजह से अर्जुन ने ये लेस खोल कर मुझे धड़ाम से गिरा दिया। बट आई एम रियली लाइकिंग दिस वर्जन ऑफ अर्जुन, फुल तोड़फाड़ कर रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो आदित्य आप केवल फर्श पे गिरे हो, वो दिन भी बहुत करीब है जब आप ना काशवी के दिल से भी गिर जाओगे, क्योंकि अर्जुन अब आपको छोड़ेगा नहीं। फिर आप कितने ही गेम प्लान कर लो, अब उसका कोई फायदा नहीं है। इस शादी के मंडप में आपकी सारी पोल पट्टी खुलने वाली है, और फिर तब कहीं जाकर काशवी को इस बात का एहसास होगा कि अर्जुन जो कर रहा था, जो कह रहा था, वो एकदम सही था। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। जब अमृता और विराट एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे, उनके बीच प्यार की शुरुआत होने ही वाली थी कि आजी ने आके सारा काम खराब कर दिया। अब मकर संक्रांति के त्योहार में सारे मोहल्ले वाले के सामने आजी ने विराट के इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। सबके सामने विराट एक तलाकशुदा है ये बात कह दी, और साथ में ये भी कि विराट का परिवार कैसा है, बबीता की करतूत कैसी है। वाओ मिसेस साठे, आपकी होने वाली बहू गैर मर्द के साथ चिपक चिपक के डांस कर रही है। तू कौन होती है उस पर उंगली उठाने वाली? एक माँ, उसका खुद बेटा उसकी नाक कटवा के बैठ गया है, तलाकशुदा है ये। लगता है अपनी आजी को, रिश्ते को लगा आघात। तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, तुमने बताया अपनी दादी को? अब जब किसी के परिवार की इतनी बेइज्जती होगी तो बात तो बुरी लगेगी ना। विराट को जितना बुरा लगा है उतना ही बुरा अमृता को भी लगा है। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से या किसी और के वजह से अगर किसी का भी, मतलब ये विराट का ही नहीं, किसी का भी दिल या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो किसी अच्छे लोगों को दुख होता है। तो वैसे ही अमृता को बहुत दुख हुआ है कि उसकी वजह से शायद विराट को बहुत दुख पहुंचा है। जो बातें दुनिया के सामने आने नहीं चाहिए थी वो बाय मिस्टेक आ गई। अब दादी तो सॉरी वॉरी बोलने वाली नहीं है, तो अमृता को ही विराट के पास जाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी और उसकी गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि जो भी कुछ हुआ उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन उसमें अमृता का कोई हाथ नहीं है, किसी और ने ये सब विलनगिरी की है और नाम अमृता पे आता है। और जो बातें दो फ्रेंड्स में होती है या फिर हमदर्दों में होती है कि ये बातें कहीं और बाहर ना जाए, तो विराट उसको ऐसे बोलता है कि ये सब तुमने बताया, मतलब ये सब तुमने फैलाया मेरे बारे में। तो वो अमृता वहाँ पे बोलती है कि नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हुआ, लेकिन वो बोल नहीं पाती। तो फिर वो सोच रही है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ और जो बातें दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए वो आ गई है, तो हीरो को, मतलब विराट को या किसी को भी कैसे लगता होगा। तो वो सोच सोच के वो इमोशनल हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हमें लगा था कि आजी आई है तो काम सुधारेगी, लेकिन यहाँ पर तो आजी ने पूरा काम ही बिगाड़ दिया है। खैर अब काम बिगड़ा है तो कुछ न कुछ अच्छा भी होगा।
अमृता विराट को मनाने के लिए एक्सट्रीम कुछ करेगी और शायद वही एक्सट्रीम ना इनके बीच प्यार की वजह बन जाएगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए जरा सोमवार का दिन है, जरा देख के आए कि हमारी जो त्रिशा है वो तैयार कैसे होती है। मतलब तैयार तो वो जैसे होती है सो होती है, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है उनका मेकअप रूम जिसका टूर वो खुद दे रही है। आपकी प्यारी त्रिशा एंड आज मैं आप सबको मेरा मेकअप रूम दिखाने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं ऑफ कोर्स मेरे नाम से त्रिशा एंड देन ये जो मेरा एक्चुअल नाम है अलमा, ये मेरी मम्मा ने हैंडमेड बनाया। दिस इज़ बेसिकली बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एंड उन्हें ये सब करना बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए उन्होंने ये किया है। ये रहा मेरा छोटू सा प्यारा सा कमरा। ये बेसिकली एक शो है फ्रेंड्स करके एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट शो। तो ये उसके पोस्टर्स हैं एंड उसके फेमस डायलॉग्स हैं। इस कॉर्नर में है एक छोटा सा नियॉन कलर का लाइट। दिस इज़ प्रिटी एंड पावरफुल, सो दिस इज़ अ फ्रेज दैट आई रियली लाइक। तो मैंने इसका एक वो करवाया, तो ये एक वो है। ऊपर जाके अगेन थोड़ी सी नेचर से जुड़ी हुई चीज़ है, ये मनी प्लांट है, ये भी मेरी मम्मा ने बनाया। ये है मेरा टेबल, यहाँ पे मैं रोज़ बैठती हूँ, रोज़ मेकअप करती हूँ। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मुझे मेरे एक फैन ने भेजा था, तो ये मैंने यहाँ लगाया है। यहाँ पे ये मेरी एक टॉय है, इसका नाम है सारा। तो यहाँ पे सेट पे सब लोग सबसे ज़्यादा इससे प्यार करते हैं, जो भी मिलता है सबसे पहले सारा को आके मिलता है। पे एक मैंने बुक रखी है जो जिस पे मैं अपनी चीज़ें लिखती हूँ कभी कभार, फीलिंग्स इमोशंस अलग अलग चीज़ें लिखती हूँ। ये एक स्टैंड है अगेन एंड यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें। सब लोग एक्चुअली इसको बहुत जुदा करते रहते हैं, पता नहीं क्यों लोगों को लवर्स से बहुत प्रॉब्लम होती है। ये ना मैग्नेट है तो ऐसे चट करके चिपक जाते हैं, और जब भी मेरे रूम में ऐसे प्रोडक्शन वाले आते हैं वो लोग हमेशा इसको ऐसे जुदा कर देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं हमेशा दिन भर ये लोग किसी करते रहते हैं। तो मैंने बोला क्या ही है यार, लाइफ में थोड़ी खुशियाँ बांटो, तो ये मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ये एक बुद्धा है, बेसिकली आई रियली बिलीव इन ऑल ऑफ दिस लाइक पीस एंड एवरीथिंग, सो आई हैव केप्ट एवरीथिंग। मेरे गाड़ी में भी यू नो बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, कुरान सब रखती हूँ मैं। ये बस मेरा बैग है एंड ये मेरा मेकअप बैग है, और वो एक स्कार्फ जो मैंने वहाँ ऐसे कभी ठंड लगती है यहाँ पे बहुत कश्मीर बन जाता है फिल्म सिटी तो उसके लिए। सो यस, दिस वाज माय रूम, आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। सो या थैंक यू, बाय बाय। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखो भैया विराट, अगर टिट फॉर टैट वाले मोड पे रहोगे ना तो आपका और अमृता का ये जो रिश्ता है ना
ये मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब माना कि अमृता की आजी ने आपके लिए फालतू में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, लेकिन आपने ये जो अमृता की आजी से बदला लिया है ना, इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा आपकी और अमृता की इक्वेशन में। तो ये सोचते रहिएगा कैसे मुझे तुम मिल गए। आज मेरी पोती की सगाई है। सगाई का मतलब समझता है तू? ये क्या समझेगा तलाकशुदा आदमी? Exactly. पर आपका बेटा दूसरी लड़की के लिए अपनी मासूम सी सुंदर बीवी को तलाक दे रहे। बड़ी बड़ी बातें आजी ने की थी विराट को लेकर, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए खूब सारे, वो भी पूरे मोहल्ले वाले के सामने। लेकिन आज जब अपने बेटे की पोल पट्टी खुल गई, जब आजी को ये पता चला कि मेरे बेटे का भी लफड़ा चल रहा है, तब देखिए कैसे आजी पानी पानी हो गई। अब इस मौके को विराट भला कैसे जाने दे सकता है? जी वो सच्चाई का ढोल था, क्योंकि आहूजा के घर पे ऑलरेडी एक बार सच्चाई का ढोल बज चुका है थैंक्स टू अमृता की आजी, तो वो यहाँ पे बदला लेना है। उसने यहाँ पे आके सब बोल दिया। वो ढोल बजा रहा है लेकिन बैंड चिटनीस की बज रही है, क्योंकि वो ऐसे सच बता रहा है जिससे हम भाग रहे थे। जब विराट की खुद की बेइज्जती हुई, इसकी उसे परवाह नहीं है। उसे परवाह है अपनी माँ की, जिनका सर शर्म से झुका दिया अमृता की आजी ने। खबरदार, मेरी इशिका को कोई बीच में नहीं लाएगा। सुना आपने प्रिंसिपल मैडम, मेरी इशिका? गुस्सा आ रहा होगा आपको, बहुत बुरा लग रहा होगा, सब आपके सामने आ गया, आपका सच, आपके परिवार का सच, आपके परफेक्ट बेटे का सच। ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि दूसरे तुम पे थूके, यही कहा था ना आपने मेरी मॉम को? दर्द है या ही इज हर्ट, उसको बुरा लगा है कि उसके भरोसे का विश्वास तोड़ा गया, एंड जो कर रहा है वो उसी इमोशन से कर रहा है। चार दीवारी के अंदर जो तमाशा हो रहा था वो अब पूरी दुनिया को पता चल गया। अमृता के पिता ने अपने नए नए प्यार को अपनी माँ के सामने एक्सेप्ट कर लिया है। चुप, एकदम चुप। कितनी बार मेरे और ऋषिका के बीच में नहीं आना, मना किया है ना? और मुझे लगता है ये मेरी पोती के पीछे पड़ा है, इसलिए मैं उसको उल्टा सीधा बोलती हूँ, लेकिन वो भी चुप रहने वालों में से नहीं है। मुझे मेरे बेटे की असलियत बताता है, मेरे बेटे का भी लफड़ा चल रहा है, असलियत सामने आती है। वही भवानी की बात करें तो उसके नसीब में तो अब सिवाय ठोकर खाने के कुछ नहीं है, ऐसा उसे लगता है। अब जिसकी बेटी अमृता के जैसी हो, भला उसकी माँ को एक क्या डर? सिर्फ भवानी से छुटकारा चाहिए, और इसीलिए उसने अपनी शर्त इस पेपर पे लिखी थी, और इसे भी भवानी ने फाड़ के फेंक दिया। वो पेपर आई ने नहीं फाड़ा, मैंने फाड़ा था, क्योंकि बाबा आई से बस बस पति ने दिल से निकाल दिया तो क्या हुआ, बच्चे तो अब भी अपनी माँ के साथ हैं। फिलहाल अभी ये बहुत बड़ा ड्रामा चलने वाला है, विराट अभी और भी तमाशा करेगा। अमृता चुप रहेगी क्योंकि गलती उसकी आजी से हुई है। अनजाने में विराट का सच लोगों के सामने आ जाता है, और इससे वो हर्ट हुआ है। वहाँ पे जिस तरह की बबीता की इंसल्ट होती है, और कोई भी बेटा अपनी माँ की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता, और वहाँ से उसका गुस्सा, मतलब वो हर्ट तो है, लोगों ने ये अच्छा नहीं किया, और इसका कारण कौन है? तो ये चिटनिस फैमिली है, तो मैं माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, और वो गुस्सा होकर ये सब करवाता है। आज का ये तमाशा तो केवल एक डेमो था, बड़ी पिक्चर अभी बाकी है। मैं ना ये सब देख नहीं सकता, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। अबीरा और रूही की तूतू मैमे के आगे अरमान की एक नहीं चलती। खैर जैसे तैसे दोनों अपना काम करते हैं। जल्दी करो भाई, दादी साइन पार्टी बाहर वेट कर रहे हैं। वहीं रूही खाने में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान ख्याल आने के बाद वो अपना इरादा बदल देती है। खैर बड़ी दादी सा के मेहमान आ जाते हैं और अबीरा रूही के हाथों से बने खाने को चखते हैं। पता नहीं खाना कैसे बनाया होगा हमारी दोनों बहुओं ने। अब ये दोनों पास होते हैं या फेल ये बहुत जल्द पता चल जाएगा, लेकिन ये जरूर होगा कि दोनों बहुएं दादी सा का दिल जरूर जीत लेंगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई सीरियल नथ में जीत का रोना धोना शुरू हो गया है। देखिए ना, कोमा में जो हमारी कृष्णा है उसके पास जाकर अपने दिल का गुब्बार निकाल रहे हैं कि काश काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती, काश समय रहते हुए तुम्हारी कदर जान ली होती। यही प्रॉब्लम है इंसान की, जब जहां जैसे होता है तब हम अप्रिशिएट करते नहीं, उसके बाद हाय हाय जो फूट फूट के रोते हैं। इसीलिए कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। माफी मांगूंगी तुमसे हर गलती के लिए जो जाने अनजाने में ना चाहते हो भी वो भी मुझे। जल्दी से ठीक हो जाओ कृष्ण, इस घर से बाहर निकलो। देखिए जीत, पहले ना आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। जब कृष्णा चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो बेकसूर है, गोपाला आपको फंसा रही है, तब तो आपने उसका विश्वास किया नहीं, और अब जब वो कोमा में जा चुकी है, हालांकि उसकी आत्मा आपके आसपास ही घूमती रहती है, लेकिन अब आप ये कह रही हैं कि आप उसे मिस कर रही हैं, उससे अपने प्यार का इजहार कर रही हैं, तो भाई ऐसे में जरा सोचिए कि आप करना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। यार मैं रो के आया हूँ सीन से भी इसलिए इमोशनल लग रहा हूँ आपको। एक अच्छा सीन था ऐसे, इमोशनल सीन जहाँ जीत कृष्णा से कन्फेस करता है अपने प्यार के बारे में कि कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ। बस वही है, इसलिए शायद आंखें भी नम है मेरी। जब वो ठीक ठाक थी उस वक्त तो आपने उसको खुद से जुदा कर लिया, और आप जब बेचारी कुछ सोचने समझने और सुनने की हालत में है नहीं, तब आप आके अपने दिल का हाल बयां कर रहे हो। इन दिनों आपके साथ जो जो हुआ वो यहाँ पर आकर कह रहे हो कृष्णा से। कृष्णा की उसके जीवन में हमेशा से अहमियत है जीत के जीवन में। यू नो स्टार्टिंग से वो बोलता है कि मुझे ये गोपाला से शादी नहीं करनी थी, कृष्णा का दिल उसके अंदर था, फिर उसकी फैमिली ने उसे प्रेशराइज किया, कृष्णा का दिल बचाया बस, शायद उसी को संभाल के रखना चाहता था वो, एंड उसी दौरान गोपाला से उसके घर वालों ने शादी करा दी। अब देखिए आपके साथ जो जो हुआ है ना, हे कृष्णा वो सब जानती है, क्योंकि उसकी आत्मा आपको हर पल देख रही थी, और अभी अभी जो आप दंगल जीत कर आए हो ना, उसके जीत का खिताब आपको नहीं बल्कि कृष्णा को मिलना चाहिए। खैर अब आपको भी कैसे पता चलेगा, क्योंकि आत्मा किसी को नजर तो आती नहीं है। अब चलो सही है, कम से कम आपको इस बात का एहसास तो हो रहा है कि कृष्णा आपके लिए सब कुछ थी। कृष्णा कहाँ जाएगी, कृष्णा को ठीक होना पड़ेगा यार कृष्णा है वो अब जल्द से जल्द जब कृष्णा को होश आएगा तो पता है ना आपको क्या करना है। आपको कृष्णा के पास आना है और आपने जो किया है उसके लिए माफी मांगनी है। बताइए ऐसा कुछ करेंगे आप? अब करना तो पड़ेगा, वरना गोपाला को तो आप नहीं जानते हैं, वो किसी भी वक्त आपकी जान ले सकती है, आपके परिवार को भी खत्म कर सकती है, तो सोच लीजिए आपको क्या करना है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अब चलिए चलते हैं सीधा पंड्या स्टोर की ओर, जहाँ पर नताशा और जो महिला ब्रिगेड है, मेरा मतलब है तमाम लेडीज है, वो पार्टी करने निकली थी, अनफॉर्चुनेटली मुश्किल में फंस गई, लेकिन चिंता मत कीजिए, द मैन इन द सीरियल विल कम टू द रेस्क्यू। जाना था जापान लेकिन रंगून पहुंच गए। अब आप सोचेंगे कि पार्टी के इस माहौल में हम जापान और रंगून की बात क्यों कर रहे हैं। हाँ भाई, ये मामला ही कुछ ऐसा हुआ है। पंड्या स्टोर की सारी लेडीज ना पिकनिक मनाने जा रही थी, थोड़ा बहुत शो ऑफ भी करना चाहती थी। उन्हें क्या पता था कि जिस जगह वो आई हैं वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है बल्कि बार है। अब यहाँ पर डांस का माहौल देखकर सारी लेडीज झूमने लगी। तभी मम्मी जी के पीछे एक रंगीले अंकल जी पड़ गए। और उसके बाद जो हुआ जरा वो नजारा भी देख लीजिए। सारी लेडीज ने हल्ला बोल कर दिया। उन्हें क्या पता था कि ये हल्ला बोल भारी पड़ जाएगा। पिकनिक का प्लान था और यहाँ पे प्लान एकदम बदल चुका है, टेबल टर्न हो चुकी है। जहाँ पहुंचे हम लोग बहुत एक्साइटमेंट से घुसी थी छबीली की, यार मस्त नाचूंगी करूंगी, लेकिन अंदर आके देखा कि यहाँ तो भाई नोट उड़ रहे हैं, बारिश हो रही है। किस पे डांस करा छबीली बताओ? ओसाकी साकी और क्या था वो, हाँ जाने है जा मैं नाचूंगी। इस बार में इतना सब कुछ हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे साथ यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, मैं यहाँ पर पिकनिक सोच के आई थी और यहाँ पे हम आ चुके हैं बार में, और ये यहाँ पे बड़ा ही अलग सा माहौल चल रहा है। एक संकी से अंकल मिल चुके हैं, वो पीछे पड़ गए हैं मम्मा के, और हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब चौपट हो रहा है। उतनी देर में हमारे मकवाना बॉयज आते हैं और हमें बचा लेते हैं। अब मकवाना बॉयज आ गए हैं घर की लेडीज को बचाने के लिए, हीरो पंथी दिखाएंगे। एक एक लेडीज को बचाएंगे। अब क्या यहीं से इम्प्रेस हो जाएगी नताशा? वैसे ये कहने की बात है नहीं, नताशा तो ऑलरेडी इम्प्रेस है। हम ये कहेंगे कि दोनों के बीच में शायद जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, वो यहाँ पर दूर हो सकती है। तो हम बच जाते हैं, लेकिन द फन वी हैड व्हाइल शूटिंग ऑल दिस ऑल द सीक्वेंस, इट वाज अमेजिंग। यस, सुपर अमेजिंग। जो मजा आ रहा लास्ट में मारने में, ओए होए होए, जन्नत। भाई मारने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है मारने। फिलहाल ये वाला सीन करने में सभी को मजा आया है, हर किरदार को कुछ न कुछ करने को मिला है। इस वाले सीन को देखकर हमें पुराने वाले पंड्या स्टोर की स्टार कास्ट याद आ गई, जब वहाँ पर भी मुसीबत पड़ने पर सभी एक हो जाया करते थे। आज भी कुछ वैसा ही नजारा देखने मिला। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई झनक में अनिरुद्ध का हो गया है सीरियस वाला एक्सीडेंट। अब इस एक्सीडेंट को देखकर ऐसा लगता है कि अनिरुद्ध बचेगा नहीं, लेकिन आप कहेंगे क्या ऐसे ही फालतू की बात कर रही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीरियल का हीरो जो है वो बचे ना। करेक्ट करेक्ट, आई एग्री विद यू। तो भैया हीरो तो ठीक हो जाएगा इन टाइम, लेकिन उससे पहले भैया इस एक्सीडेंट का ठीकरा जो है ना वो झनक के सर पे फूटेगा। झनक तूने ये क्या किया, झनक की नफरत ने तो अनिरुद्ध की जान ही ले ली। झनक ने कुछ इस कदर से धुतकार दिया अनिरुद्ध को कि उसे सदमा लग गया। गुस्से में वो बाइक चला रहा था जिसकी वजह से उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कर रहा है, और तभी हो गया उसका एक्सीडेंट। अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस एक्सीडेंट है। सब कह रहे हैं कि उसकी जान चली गई है, तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल फिर भी ले जाया जा रहा है, क्योंकि इंसानियत के नाते सब वही करेंगे। एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अब अनिरुद्ध के साथ क्या होता है वो तो विद टाइम पता चलेगा। और ये हुआ इसीलिए क्योंकि झनक ने उसकी बेइज्जती कर दी सबके सामने, उसके साथ जाने से मना कर दिया। अनिरुद्ध बहुत डिस्टर्ब था और डिस्टरबेंस में वो बाइक चला रहा था और उसी के चलते उसका एक्सीडेंट हो गया। अब ये एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि अनिरुद्ध की जान चली गई है। अब यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनका तो यही कहना है। जैकेट बैकेट के अंदर स्क्रैचेस तो बहुत सारे आए होंगे, तो मेन चोट मुझे लगी है सर पे, पत्थर से जा टकराया अनिरुद्ध और सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, ऑन स्पॉट बेहोश हो गया। एक्सीडेंट जहां पर हुआ है वहां पर पुलिस भी आ गई है और पुलिस ने घर वालों को इन्फॉर्म भी कर दिया है, लेकिन वो कहां है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है ये तो अनिरुद्ध को नहीं पता कि झनक आएगी या नहीं आएगी। अनिरुद्ध की हालत बहुत खराब है, बिकॉज बहुत ही गंदी तरह से वो बाइक से गिरा है, बहुत सीरियस इंजरी हुई है उसे। घर में जब सबको पता चलेगा तो डेफिनेटली घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, अलग ही ड्रामा क्रिएट होगा। अब झनक को भी पता तो चल ही जाएगा कि अनिरुद्ध अस्पताल पहुंचा है, घर वालों को एक और बहाना मिल जाएगा झनक को दोषी ठहराने का। अब इस एक्सीडेंट के सीक्वेंस को करना इतना आसान नहीं था, अनिरुद्ध ने पहली बार ऐसा सीक्वेंस किया है जिसमें उन्होंने अपने बॉडी डबल का सहारा लिया है। कोई भी एक्टर हो वो हर दिन से अलग कुछ डिफरेंट शूट करना चाहता है, जैसा कि शूट आज आप देख रहे हैं। बाइक सीक्वेंस, बस को चेस करना, एक्सीडेंट हो जाना, तो ये सारी चीज़ें मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आया करके आउटडोर में। मेरे बॉडी डबल ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है, इसीलिए सीन और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब एक्चुअल जो गिरने वाला शॉट है मैं इंजर्ड होना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, ना मेरा प्रोडक्शन अफोर्ड कर पाएगा। बॉडी डबल ने बहुत अच्छा काम किया और सीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। अभी सीन के आगे क्या होगा ये तो हम भी नहीं जानते हैं। झनक कब तक पहुंचेगी, कब तक नहीं पहुंचेगी, ये भी नहीं पता है, क्योंकि झनक तो छुट्टी पर गई है 3 से 4 दिन के लिए। तो भाई जब वो छुट्टी से लौटेगी तब पता चलेगा कि आगे सीन क्या होने वाला है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।